अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवन न्यूज महानगर में आपके साथ एक इफ्तिखार। राज्य की 19 ओबीसी जातियां केंद्रीय सूची में, डबल इंजन सरकार का तोहफा, राज्य की 19 जातियों को फायदा होगा। महाराष्ट्र में 19 ओबीसी जाति केंद्रों के सूची में महागठबंधन सरकार के प्रयासों को सफलता, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सिफारिश की थी कि राज्य की कुछ जातियों के और उपजातियों को केंद्र के और अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों की जांच के बाद 19 जातियों को और उपजातियों को केंद्र की अधिसूचना में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। इसमें बड़जुगर, सूर्यवंशी, गुजर, पोवार, भोयर, पवार, कापेवार, तेलंगी, लोध, डांगरी, इन जातियों की शामिल है। मोदी और देवाभाऊ डबल इंजन सरकार के फैसले से राज्य की 19 ओबीसी जातियों को शैक्षणिक और आर्थिक सामाजिक विकास का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अंतिम सतह ओबीसी समुदाय का कल्याण के लिए महागठबंधन सरकार। पट्टे के पत्ते, गेंदे के फूल, विजयादशमी लेकर आए आज दशहरा का शुभ दिन। आपके जीवन में सुख और समृद्धि से परिपूर्ण हो दशहरे के इस अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। शुभ इच्छुक संजय मंत्री, अध्यक्ष परवनी जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन परवनी। दशहरे के इस दिन का आपका जीवन भगवान राम के दिव्य आशीर्वाद से प्यार, खुशी और सफलता से भरा हो। सभी को आपके सभी प्रयासों में विजयी होने की शक्ति से भरपूर दशहरे की शुभकामनाएं। शुभ इच्छुक संजय मंत्री, अध्यक्ष परवनी जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन परवनी। भारतीय बौद्ध महासभा जिला शाखा परवनी की ओर से आज तारीख 12 अक्टूबर 2024 शनिवार के रोज जिलाधिकारी कार्यालय के सामने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके पुतले के करीब सुबह 8:30 बजे 68वें धम्म चक्र परिवर्तन दिन मनाया गया। कार्यक्रम के शुरू में तथागत भगवान बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके प्रतिमा का पूजन करते हुए पूज्य भंते उपगुप्त जी महाथेरो और भारतीय बौद्ध महासभा के जिला अध्यक्ष अशोक राव कांबड़े इनके हाथों किया गया और पुतले को पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए पंचरंगी ध्वज का ध्वजारोहण किया गया। समता सैनिक दल की ओर से सुनील एस पवार, बाबा साहेब धबाले, डीएन बहादुरे, शिवाजी भावड़े, प्रोफेसर पंडित नागसेन हत्या अम्बिरे, एन जी गोदाम, वैराट, इन्होंने मान वंदना दी। डीवाई खेड़कर और नामदेव ढेपे इन्होंने धम्म ध्वज वंदना ली और भिक्षु संघ की ओर से उपगुप्त जी महाथेरो, भंते मुदितानंद जी थेरो, पी धमानंद जी, अधम्मापाल जी, मोगलायन जी, इन्होंने त्रिशरण, पंचशील और 22 प्रतिज्ञा दिए। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर अशोक कांबड़े ये थे। कार्यक्रम का सूत्र संचालन जिला सरचिटनी डीआई खेड़कर इन्होंने किया। कार्यक्रम को ज्येष्ठ नेते बीएस सजराव, एसएस साळवे, वीवी वाघमारे, दशरथ गायकवाड़, बीजी शिंदे, एमएम भरने, पीएल वानखेड़े, डॉक्टर अगस्ती इंगोले, केजी लजड़े, डॉक्टर भीमराव कुंडकुटे, भगवान डाके, मुकुंद खाड़े, गुराजी धबाले और शहर के बौद्ध उपासक उपासिका बड़ी संख्या में हाजिर थे। आज डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर 68वां धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिन है। 14 अक्टूबर 1956 विजयादशमीला याच दिनी बाबा साहब आंबेडकर लाखों माणसांचा समावेश बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली होती। ती दीक्षा आम्हाला एक क्रांती, आमचा नवा जन्म झालेला आहे, एक आम्हाला प्रेरणा म्हणून आमचा आजचा दिवस आहे। जसं भारताला स्वातंत्र्य मिळालं, आम्ही तर समजतो दीक्षा घेतल्यानंतर खरं स्वातंत्र्य आम्हाला आज मिळालेलं आहे आणि तो आमचा स्वातंत्र्याचा दिवस आहे। कारण माणुसकीचे हक्क, इज्जत आणि स्वाभिमान या दिवसापासून आम्हाला मिळाल्यामुळे हा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन आम्ही परभणी शहरामध्ये महावंदनेने दरवर्षी साजरा करत असतो। याही वर्षी परभणी शहरात भव्य प्रमाणामध्ये मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्यात आला। या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या निमित्ताने मी सर्व जनतेला शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। हे बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, सर्वप्रथम धम्मचक्र परिवर्तन दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी बौद्ध धम्म संबंध भारतवासियांना दिलेला आहे। या धम्माचा केवळ आणि केवळ एकच उद्देश आहे की सर्वांच्या मनामध्ये मंगल मैत्रीची भावना रुजू होणे आणि त्या मंगल मैत्रीच्या भावनेच्या माध्यमातून नीतीशास्त्राला समोर ठेवून सर्वांमध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी। केवळ हाच संदेश बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला दिलेल्या धम्माच्या माध्यमातून होतो। माझ्या वतीने आणि माझ्या सर्व परिवाराच्या वतीनं आणि माझ्या मित्रपरिवाराच्या वतीनं सर्वांना या देशामध्ये, जगामध्ये समता प्रस्थापित व्हावी, शांतता प्रस्थापित व्हावी आणि मंगल मैत्रीची भावना वाढीस लागावी अशा प्रकारच्या शुभेच्छा देतो आणि थांबतो। जय भाऊ।
दोनों जहां के रहमतुल आलमीन बनकर आए हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानबूझकर अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले रामगिरी महाराज, यति नरसिंहानंद सरस्वती और नितेश राणे, जो मुस्लिम समाज को गाली गलौज करते हुए मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी देते हैं, ऐसे आतंक फैलाने वाले, दहशत निर्माण करने वालों को तुरंत हिरासत में लिया जाए, ऐसे मांग का निवेदन मानोद मुस्लिम समुदाय की ओर से मानोद के तहसीलदार द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल इन्हें दिया गया। तारीख 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के रोज मुस्लिम समुदाय की ओर से मानव तहसील कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया गया था। आए हुए मुस्लिम समुदाय के वरिष्ठ नागरिकों ने यहां पर अपने विचार व्यक्त करते हुए तहसीलदार को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अन्य धर्म के वरिष्ठों की विटंबना ना हो, इसलिए कड़क कानून बनाया जाए और उसके लिए प्रावधान किया जाए, वक्त संशोधन 2024 वापिस लिया जाए और ये तीनों दोषियों को UAPA के तहत कड़क कार्रवाई की जाए। इसके अलावा विभिन्न मांगों का निवेदन लेकर मानव के तहसीलदार इन्हें दिया गया और तहसीलदार द्वारा राज्यपाल को यह निवेदन दिया गया है। मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा, ऐसा निवेदन में कहा गया है। मानवत के मुस्लिम समुदाय की बड़ी संख्या में मौजूदगी दिखाई दी। उसी तरह से PI संदीप बोरकर, इनके मार्गदर्शन में PI नागनाथ पाटिल, API संतोष सोनटक्के, सिबी शाखा के शेख मुखीद, विलास मोरे, समीर पठान, होमगार्ड और इनका सख्त और कड़ा बंदोबस्त दिखाई दिया। आंदोलन बड़े शांति प्रिय माहौल से रहते हुए तहसीलदार द्वारा निवेदन राज्यपाल को देकर धरने का समापन किया गया। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार, इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी जिसे 99 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके तहत आज 99 साल के मौके पर राष्ट्रीय स्वयं संघ की ओर से हर साल की तरह इस साल भी अष्टपूजा नगर विजयादशमी संचलन आज तारीख 12 अक्टूबर 2024 सुबह 7:30 बजे उत्सव स्थल परभणी सिटी क्लब से छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, राम सिंह चौक और कच्ची मार्केट, विठ्ठल मंदिर, कोमटी गली, क्रांति चौक, माड़ी गली, नारायण चाल, पेड़ा हनुमान मंदिर, गुरुद्वारा श्री गुरु साहिब जी, मराठवाड़ा मशीनरी, गणेश नेत्रालय और फिर परभणी के सिटी क्लब में आकर इस रैली का समापन किया गया। इस समय राष्ट्रीय स्वयं संघ के इस समय सफेद शर्ट में और काली टोपी, खाकी पैंट, डंडा, पट्टा और जूते के साथ संघ का पूरा ड्रेस पहने हुए नजर आए। गंगाखेड़ परभणी हाईवे पर आयशर लोडिंग गाड़ी और स्कूल बस की टक्कर हुई। इस दुर्घटना में स्कूल बस ड्राइवर की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। इस बारे में अधिक जानकारी यह है कि महतपुरी शिवार में आयशर गाड़ी क्रमांक MS04GR3597 और स्कूल बस की आमने सामने टक्कर हुई, जिसमें स्कूल बस ने 2 से 3 पलटियां खाकर ये एक तरफ जा गिरी, जिसमें बड़े पैमाने पर गाड़ी का नुकसान होते हुए उसमें चला रहे गाड़ी जनार्दन अंधड़े, उम्र 45 साल, इस आदमी की मौत हुई है। घटना के बाद जनार्दन अंधड़े इन्हें गंगाखेड़ के उप जिला अस्पताल में दाखिल किया गया था। घटना की जानकारी मिलते ही यहाँ के पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंचकर वहां जाकर उसका पंचनामा किया, आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की फदरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गाठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे बसमठ रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। महाराष्ट्र राज्य के इमारत और अन्य बांधकाम कामगार नोंदित सक्रिय जीवित बांधकाम कामगारों के लिए एक खुशी की खबर है। दिवाली से पहले ही सानुग्रह अनुदान बोनस देने की घोषणा की गई है। इस मांग को लेकर महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संगठन संयुक्त कृति समिति ने मुंबई आज़ाद मैदान में 8 अक्टूबर के रोज आंदोलन किया था। इस आंदोलन की दखल लेते हुए महाराष्ट्र शासन ने बांधकाम कामगारों को दिवाली से पहले बोनस अनुग्रह अनुदान देने का निर्णय मंत्रिमंडल के बैठक में लिया है। इस निर्णय से महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संगठन कृति समिति ने निमंत्रक कांग्रेस शंकर पुजारी और परभणी जिला अध्यक्ष शेख उस्मान शेख इस्माइल, इन्होंने उनका स्वागत किया है। कामगार विभाग मंत्रालय मुंबई प्रधान सचिव ने कामगार संगठन के शिष्टमंडल के साथ इससे पहले चर्चा की थी। चर्चा में कांग्रेस शंकर पुजारी, शेख उस्मान शेख इस्माइल, इन्होंने प्रधान सचिव इनसे बोनस देने के बारे में मुंबई उच्च न्यायालय के बारे में हुए रिजल्ट को लेकर उसकी प्रति दी थी। उसी का निर्णय लेकर आश्वासन शिष्टमंडल को प्रधान सचिव ने दिया था। पिछले एक महीना पहले कामगार मंत्री सुरेश खांडे, इन्होंने बांधकाम कामगार संगठन कृति संयुक्त कृति समिति से निवेदन लेकर ये बात कही थी कि दिवाली से पहले ही वो इसका निर्णय लेंगे। बस फिर निवारा बांधकाम कामगार संगठन आयटक
महाराष्ट्र के उसी तरह से विभिन्न संगठनों ने मुंबई हाईकोर्ट में रीट पिटीशन दाखिल किया। रीट पिटीशन का रिजल्ट 1 फरवरी 2021 के पहले बोनस देने की महाराष्ट्र शासन को निर्णय ले ऐसा आदेश मुंबई हाईकोर्ट ने राज्य शासन को दिया था। इसी का ख्याल रखते हुए सरकार ने कल मंत्रिमंडल में बैठक में नोंदीकृत बांधकाम कामगारों को दिवाली से पहले ही सानुग्रह अनुदान देने की घोषित किया है। कामगारों को दिवाली के पहले ही यह खुशी का माहौल मिल जाने से सभी के दिलों में एक खुशी का माहौल देखते हुए बांधकाम कामगारों ने करण बैंक खाता के संबंध में सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालय से सुविधा केंद्र में जाकर समाविष्ट करते हुए इसकी सभी को लाभ ले ऐसा सरकार ने किए गए निर्णय का स्वागत किया गया। और निवारा बांधकाम कामगार आईटेक संगठना जिला अध्यक्ष कॉमरेड शेख उस्मान शेख इस्माइल, एमडीओ संगठना के जिला अध्यक्ष सैयद रफीक पेड़गांवकर, शेख शमीमोद्दीन आदि ने इसका स्वागत करते हुए ऐसी अपील की है। ट्रैक मरम्मत कार्य के कारण नांदेड़ मनमाड़ नांदेड़ एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन आंशिक रूप से रद्द कर दी गई है। जानकारी दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़ जनसंपर्क विभाग ने दी है। ट्रैक रखरखाव और मरम्मत के लिए लाइन ब्लॉक के कारण नांदेड़ मनमाड़ नांदेड़ एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन को आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है। ट्रेन संख्या 07777 नांदेड़ से मनमाड़ डेमू को 11 से लेकर 20 अक्टूबर तक नांदेड़ और पूर्णा के बीच आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है। 20 अक्टूबर तक यह ट्रेन पूर्णा से रवाना होगी और पूर्णा से मनमाड़ तक चलेगी। वहीं पूर्णा से नांदेड़ के बीच ट्रेन संख्या 07778 मनमाड़ से नांदेड़ डेमू को 11 से 20 अक्टूबर तक रद्द कर दिया गया है। दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़ जनसंपर्क विभाग ने बताया कि यह ट्रेन मनमाड़ से पूर्णा तक 20 अक्टूबर तक चलेगी। छत्रपति संभाजीनगर यानी औरंगाबाद महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त रंजीत पाटिल इनका स्वागत करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक महासचिव सत्तार इनामदार साहब, खदीर लाला हाशमी साहब, शफीक चारठानकर, अन्य मान्यगण इस समय मौजूद थे। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास, हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ, पूरी तरह से कुदरती व खालिस प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, जेलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू, बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे, पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए, चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। के भीम जयंती महोत्सव समिति की ओर से 68वें धम्म चक्र परिवर्तन दिवस एवं अशोक विजयादशमी के अवसर पर रविराज पार्क पार्वती नगर स्थित नालंदा विपश्यना केंद्र में सुबह 12 बजे धम्म चक्र प्रवर्तन दिन संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर आदिनाथ इंगोले श्री गुरु बुद्धि महाविद्यालय पूर्णा ये थे। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर भीम जयंती महोत्सव समिति के अध्यक्ष अमोल धाड़वे ये रहते हुए धम्म ज्योति महिला मंडल के अध्यक्ष ललिताबाई वावड़े ये भी इस समय उपस्थित थे। सुबह 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम की शुरुआत में तथागत गौतम बुद्ध और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके प्रतिमा को पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए उसके बाद गणमान्य व्यक्तियों ने पंचरंगी ध्वज फहराया। धम्म ज्योति महिला मंडल की ओर से बुद्ध वंदना की गई। समय प्रोफेसर डॉक्टर आदिनाथ इंगोले इन्होंने धम्म चक्र प्रवर्तन और समकालीन वास्तव इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। समय RW खेवाड़े, अनंत मुड़े, विशाल शिंदे, रमेश रणवीर, दिलीप माल सिमेंदर इन्होंने मेहनत की। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बौद्ध उपासक सफेद वस्त्र पहनकर शामिल हुए। प्रस्ताविक प्रोफेसर डॉक्टर कीर्ति कुमार मोरे इन्होंने किया तो आभार विवेक अढ़ल ने इन्होंने माना। दशहरा हिंदू संस्कृति में एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन सभी हिंदू भाई बहन एक दूसरे को मिलते हैं और एक दूसरे को सोने के रूप में अपने का पत्ता देकर एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। इसी पार्श्वभूमि पर हर साल की तरह इस साल भी परभनी शहर के पेड़ हनुमान इलाके स्थित यहाँ पर प्रसाद और विविध खेलों के दुकानें लगाए गए और इसी तरह से शहर में बड़ी संख्या के नागरिक यहाँ पर आकर परभनी के पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने SP ऑफिस में आकर दशहरा त्यौहार के अवसर पर बड़े उत्साह के साथ मनाते हुए दिखाई दिए। इस समय आए हुए सभी भाविक भक्तों को और देवी की पालकी को लेकर निकलते हुए विविध तज्ञ पूजा की गई।
उसी तरह पुलिस प्रशासन की ओर से आए हुए नागरिकों को अपटे का पत्ता देकर यानी सोना देकर सभी को शुभकामनाएं देते हुए एडिशनल एसपी यशवंत काले और एलसीबी के पीआई अशोक गोरबान और उनके अन्य कर्मचारी उसी तरह यहाँ पर मौजूद दिखाई दिए और नागरिकों को सोना देकर शुभकामनाएं देकर इस साल की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। दशहरे के दिन ये उत्सव मनाने का महत्व क्या है, आइए जानते हैं एडवोकेट बाहेती इन्होंने क्या कहा। भारतीय संस्कृति की सर्वात मोठा सण आहे आणि या सणाचे महत्व म्हणजे मागच्या बऱ्याच वर्षापासून असं म्हणता येईल की युगानुयुग हा सण त्या ठिकाणी साजरा केला जातो। सीमोल्लंघन म्हणजे आपल्या शहराची जी सीमा असते त्या सीमेच्या बाहेर जाऊन ज्या ठिकाणी अज्ञातवासामध्ये पांडवांनी आपले शस्त्र लपवले होते ते शस्त्र सगळे आजच्या दिवशी काढले होते म्हणून त्या ठिकाणी शस्त्रपूजनाला महत्त्व आहे। बाहेर आल्यानंतर त्यांनी त्या ठिकाणी शमी वृक्षाच्या खाली ते लपवले होते म्हणून शमी वृक्षाची पूजा करण्याचा महत्त्वाचा मान आहे। मग सगळ्या लोकांच्या भेटीसाठी घेऊन दुसरं महत्त्वाचं नवरात्रीचे 9 दिवस संपल्यानंतर आजच्या दिवशी माताने त्या ठिकाणी महिषासूरचा वध केला होता त्या महिषासूर मंडळी म्हणून मानण्यात येते। तसंच महत्त्वाचं म्हणजे प्रभूंनी रामचंद्र हे देखील त्या ठिकाणी रावणावर विजय प्राप्त करून निघाले होते आणि त्या आजपासून 22 दिवसानंतर या ठिकाणी अयोध्येमध्ये परत आले होते। आजपासून 22 दिवसानंतर दिवाळी सण साजरा केला जातो तर रामाने रावणाचा किल्ला वध हे देखील एक विजयाचं प्रतीक आहे म्हणून विजय उत्सव साजरा केला जातो आणि मोठ्या जल्लोषामध्ये विजयादशमी साजरी केली जाते। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमान मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीत व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी, खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर से चौक रोड बैरागी कॉलोनी तुलसीपुर जनपद बलरामपुर यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड आजम चौक से आगे तवक्कल मेडिकल के करीब परभणी महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहे इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।